19 मार्च पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर ही था। मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर हाइस्ट था मलकानगिरी एंड बोध में 38.0 डिग्री सेल्सियस। हमारा भुवनेश्वर में कल मैक्सिमम था 37.6 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक से 1.8 डिग्री ज़्यादा था। अभी हमारा अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है, अगला 5 दिन में पहले 2 दिन मीन 13th एंड 14th मार्च सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर रहने का चांसेस है। 15th में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। जैसा कोस्टल विशेखा डिस्ट्रिक्ट केउनझर मयूरभंज ढेंकनाल अंगुल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर सुंदरगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है एक दो जगह करके। फिर 16th-17th में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें 16th में कोस्टल विशेखा डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है और गास्टी सरफेस विंड भी एक दो जगह करके हो सकते हैं 40-50 km/h तक मैक्सिमम विंड स्पीड जा सकते हैं गास्टी विंड स्पीड। इसमें मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल नयागढ़ खुर्दा कटक जाजपुर भद्रक मयूरभंज बालासोर ये सब डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉसिबिलिटी है। फिर 17th में भी हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी रहेगा साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस पे, बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्तर पर होने का चांसेस है। इसमें भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गास्टी सरफेस विंड का पॉसिबिलिटी है मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर नुआपारा कालाहंडी कंधमाल गंजाम गजपति नयागढ़ खुर्दा पूरी डिस्ट्रिक्ट में। कुल मिला करके अभी जो है हमारा 15th से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का चांसेस है। 15th में आइसोलेटेड वे में रहेगा, 16th-17th में इंक्रीज करेगा। इसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी सरफेस विंड भी रहने का चांसेस है 40-50 km/h तक एक दो जगह करके। भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई रहेगा अगला 2 दिन में। कल आफ्टरनून में पार्टी क्लाउडी थोड़ा हो सकता है और फिर 15th में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकता है। 16th-17th में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी बारिश का पॉसिबिलिटी है भुवनेश्वर में भी। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी अगला 2-3 दिन में ज्यादा 3 दिन तक ज्यादा चेंजेस नहीं है, 3 दिन के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर भी डिक्रीज करने का चांसेस है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से। और भुवनेश्वर सिटी में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 38 के आसपास रहने का चांसेस है।